नमस्कार, मैं सनी तुसीर और आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पे बात करने वाले हैं। आज देश को आज़ादी लेते हुए 73 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और देश की राजधानी दिल्ली में आज भी एक ऐसा गांव है जहां पर ना कोई बिजली की सुविधा है, ना पीने का पानी की सुविधा है, ना सड़कों की सुविधा है। ऐसी कोई भी सुविधा इस गांव में नहीं है जो बुनियादी सुविधाएं आम जनता को मिलनी चाहिए। ये मैं और कहीं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के राजधानी दिल्ली के गांव की बात कर रहा हूं। इस गांव का क्या नाम है ये आप मेरे सामने बोर्ड पर पढ़ सकते हैं, रजापुर कला 20 सूत्रीय कॉलोनी है, जो 1976 में ही भारत सरकार द्वारा आवंटित कॉलोनी जो है वो बना दी थी। लेकिन आज भी यहाँ के लोग तरस रहे हैं, तो किस लिए? बिजली के लिए तरस रहे हैं। किसके लिए? पानी के लिए, बुनियादी चीज़ों के लिए, सड़कों के लिए। यहाँ पर ना ही कोई ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जो इस कॉलोनी के लोगों को मिल रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 200 से 300 परिवार यहाँ पर रहते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं और उनका परिवार रहता है। गलियों की बात करोगे तो सभी गलियाँ आपको कच्ची नज़र आएगी। बिजली की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी बिजली नज़र नहीं आएगी, सिर्फ खंभे खंभे जो है वो खड़े नज़र आएंगे। यहाँ पर लोग इस तरीके से रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, क्योंकि जनाब ये देश की राजधानी दिल्ली है और बताया जाता है कि राजधानी में हर वो चीज़ें मिलती है, हर वो बुनियादी सुविधाएँ मिलती है जो शायद ही भारत में कहीं और मिलती हो, क्योंकि है क्या देश की राजधानी जो है। यहाँ के कुछ लोग, स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या उन्होंने यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के एमपी किसी को शिकायत दी है? क्या यहाँ पर नेता वोट मांगने के लिए आते हैं और वोट मांगने के लिए आते आते हैं, या उसके बावजूद यहाँ पर आज तक कोई बुनियादी सुविधाएं दिलाने के लिए भी एक बार आए हैं? तो बात करते हैं। हाँ जी भैया, आप आइए इधर। क्या नाम है भैया आपका? राम राम जी, मेरा नाम मोंटू है और हम इस कॉलोनी के स्थायी निवासी है। और जी हमें तकरीबन रहते हुए 35 साल हो गए यहाँ पे, लेकिन हमें अमूल सुविधा से जब से ये कॉलोनी बनी है और आज तक 2021 आ गया है। चलिए हम चलते चलते बात करेंगे ताकि लोगों को दिखाई भी दे कि इस कॉलोनी के हालात कैसे है, क्योंकि अभी दे मेरा इस समय ये खबर करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जहाँ पर बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, अलग अलग सरकारों द्वारा जो है वो हर जगह लाइट पहुँचानी है, चाहे पाताल हो या आकाश हो, चाहे पहाड़ हो या जमीन, इस तरह का कोई भी ऐसे स्थान हो, ये देख सकते हैं। यहाँ पर गरीब परिवार, अमीर परिवार, हर तरीके का परिवार रहता है, लेकिन अभी तक उनको ये बुनियादी सुविधाएं मिल नहीं पाई है। आइए चलते आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इनकी, देखिए कच्ची गलियां हैं, बारिश होती है यहाँ पर पानी भर जाता है, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, बच्चों को पढ़ने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर खंभे जो है वो ज़रूर लगाए गए हैं लाइट के, लेकिन 73 साल से अभी तक यहाँ पर बिल्कुल भी ना लाइट मिली है, ना इन लोगों को पानी मिला। सर, आपको कितनी समस्याओं का जो सामना है वो करना पड़ता है? ये समस्याएं तो सुबह से लेके और रात के अंधेरा होने तक समस्याएं है। हमने काफी कंप्लेंट की, ऑनलाइन भी की, सीएम साहब को की, डिप्टी सीएम साहब को की, एसडीएम, डीएम, इन सभी को हमने कंप्लेंट दी है। ना जाने कितनी सरकारें आई है, कितनी सरकारें गई है, कभी कांग्रेस आई है, कभी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, किसी भी सरकार ने सुध नहीं ली इस गांव की। अच्छा जी, आते हैं नेता, आश्वासन दे के चले जाते हैं जी, अब की बार हो जाएगा, लेकिन ऐसा करते करते तकरीबन 35 साल हो गए हमें भी। तो देखते हैं, जैसे ऑनलाइन यहाँ पे क्लासेस, तो 96 बच्चे इस कॉलोनी के अंदर हमारे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि हायर स्कूल में ही पढ़ते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास तभी लेंगे बच्चे जब वो मोबाइल चार्ज करेंगे। अच्छा, मोबाइल चार्जिंग के लिए आपको क्या, कहाँ जाना पड़ता है, कितनी दूर जाना पड़ता है? मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ से तकरीबन सभी को फैक्ट्री में जाना पड़ता है, जहाँ जहाँ काम करते हैं सब, वहाँ से दिन में चार्ज करते हैं, रात को फिर वापिस आना पड़ता है। अच्छा, यही एक तरीका। और पानी के लिए ऐसा है कि एक टैंक लगाया हुआ है, पूरे दिन में एक टैंक आता है। अच्छा, पूरे दिन में टैंक आ जाता है। चलिए, पानी सरकार के द्वारा आता है या प्राइवेट टैंक लगाया गया है? नहीं, ये सरकार के द्वारा ही एक टैंक अभी लगाया गया, जस्ट मतलब एक महीना हुआ है। अच्छा, उससे पहले ये सुविधा भी नहीं थी जी।
तो अभी लगाया गया है ये पानी का टैंकर भी है। ये डीएम साहब के दौरे के बाद पानी अच्छा, का यहाँ पर डीएम साहब ने भी दौरा किया है जी, डीएम और एसडीएम दोनों ने किया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जी फिर कोरोना काल चल गया, फिर दोबारा ठंडा हो गया। अच्छा देखिए एसडीएम भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी जो पूरी कॉलोनी का जायजा लिया है, घर बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, मकानों में कोई भी लाइट की सुविधा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा देखिए गलियां देखिए आप, बच्चे खेल रहे हैं, ये गलियां देखिए, मैं आपको गलियों का दृश्य दिखाऊंगा। ये देश की राजधानी है और देश की राजधानी में आप देख सकते हैं कि कैसे हालात है, ये देख सकते हैं किस तरीके से कि ना जाने कितनी सरकारें आई है, कितनी सरकारें गई है। हाँ जी आप वोट तो देते होंगे? बिल्कुल देते हैं जी, देते हैं। वोट देते हो जी सर? वोट देते हैं, लेकिन वोट देने का फायदा इस गांव वासियों को, इन कॉलोनी वासियों को मिलता नहीं है। हाँ जी आप कब से रहते हो यहाँ पर? 5 साल से रह रहा हूँ भैया। 5 साल से रह रहे हो? हाँ। लाइट की कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं। पीने के पानी की कोई सुविधा? कुछ की नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं। और कुछ नहीं मिलता है, एक टैंकर बीच में खड़ा करके पूरे रास्ता घेर देते हैं, जो गाड़ी रिक्शे वाले हैं रोजी रोटी करने जाएंगे उनका भी रास्ता छेक कर और पानी गिरा के खींचा कर देते हैं, जो हाथ गोड़ टूट जाए सवेरे सबके। और अभी आप बच्चे को लेकर आ रहे हो, ये देख सकते हैं गलियां कैसी है। ये गलियां तो टैंकर वाले करते हैं, अगर वर्षा नहीं पड़ेगा तो कुछ सही है, कच्ची कॉलोनी है फिर भी सही। और ये रात को बारिश हुई थी, जल भराव हो गया, आप इसलिए पड़ भी सकते हो फिसल कर। हाँ एकदम। और ये नहीं है जो बरसे हुआ तो ये टैंकर जो लगता है ना पानी भरते हैं, हमारे जनता लोग कम और गिराते हैं ज्यादा। अगर मेरे जनता लोग का पानी की जरूरत है टैंकर रोड पर लगा दे, मेरा जनता रोड पर से भर के लाएगा जिसको आवश्यकता होगा, सो टैंकर वाले बात नहीं बोलते हैं, वो यहाँ पर लगा देते हैं। जो पानी आता है उसको भी आधा गिरा दिया जाता है। हाँ। अच्छा देखिए। हाँ जी भैया आप भी यहाँ पर रहते हो जी? है क्या जी। नाम है आपका? मेरा नाम तमन्ने है। कब से रह रहे हो आप यहाँ पर? यहाँ पर 6 महीने से रह रहे हैं। 6 महीने से रह रहे? 6 महीने से ऐसा ही है? ऐसा ही है, 6 महीने से ऐसा ही है, ऐसा ही चले। ये मैं आपको गलियों के हालात दिखाऊंगा, ये पहले गलियों के हालात देखिए, ये मकान देखिए, ये मकान है, ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको कि देश की राजधानी की तस्वीरों में किस तरीके से ये रजापुर गांव है और रजापुर गांव में इस तरीके के हालात आज हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर नेता आते जरूर है, वोट मांगते जरूर है और वोट भी देते हो आप? देते हो आप वोट? जी सर। है? लेकिन वोट देने का फायदा हुआ है? जो वोट दे के ही भुगत रहे हैं जी अभी तक। अच्छा वोट दे के ही भुगत रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। वोट जरूर देते हो लेकिन उसके बाद भुगतते ही भुगतते हैं। आप 2 मिनट चुप हो जाइए, उसके बाद बात करते हैं। वोट देने का कोई फायदा नहीं हो रहा, आते हैं नेता आश्वासन देते हैं हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई कदम नहीं उठाते, कोई कदम नहीं उठा नहीं उठाते। बारिश के समय में जी पिछली बार 3 आदमी एक्सपायर हुए थे यहाँ पे डेंगू मलेरिया से, उसके बाद भी कोई सुध नहीं ली गई, ना नाली का प्रबंध किया गया, ना छिड़काव होता है यहाँ पे, ना MCD आती है और ना साफ सफाई, कूड़े उठाने वाले भी नहीं। शिकायतें दी आपने यहाँ पर? जी शिकायतें सभी डिपार्टमेंट में दिए, लिखित में हमारे पास है, फाइल बनी हुई है पूरी। आपके यहाँ का विधायक कौन है, निगम पार्षद कौन है और कब से कब तक समय तक आपका वो विधायक बन के हो गया? क्या कभी सुध लेने आया है या सिर्फ वोट मांगने आया? 6 साल हो गए जी आम आदमी के पार्टी विधायक शरद चौहान जी हमारे यहाँ के विधायक, अब की बार इलेक्शन में आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि बिजली आ जाएगी। अच्छा इलेक्शन में वोट मांगने आए थे जी, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक तो आए नहीं है। अच्छा। और निगम पार्षद हमारे राम नारायण सिंह जी है, वो आते हैं बस पूछ के और चले जाते हैं, उन्होंने आज तक ना यहाँ कोई छिड़काव करवाया ना कोई दवाई मरवाई कि मलेरिया डेंगू जैसे अब सीजन है, अब बीमारी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, तकरीबन छोटे बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है गंदगी में। और शौचालय आजादी के बाद ही भारत सरकार के द्वारा ये कॉलोनी आवंटित कर दी गई थी जी। आवंटित करने के बाद भी आज तक यहाँ पर वह बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई है जो बुनियादी सुविधाएं एक देश के नागरिक को मिलनी चाहिए, एक देश की राजधानी के नागरिक को मिलनी चाहिए जी। हमने यहाँ पे 2018 में 5 लाख रुपए जमा करवाए थे NDPL के अंदर और ये खंभे वगैरह सब लग गए थे यहाँ पे, फिर वो बोले क्या नाम है हमें जगह दो ट्रांसफार्म लगाने के लिए, हमने बाहर बोला था बाहर लगा दो, फिर DSIDC के पास चला गया मामला, तो अभी SDM साहब जो हमारे पिछले महीने आए थे तो यहाँ पे फ्लड डिपार्टमेंट था, DSIDC, दिल्ली जल बोर्ड और NDPL। ये एक बार देखिए सभी के घरों में, एक बार मैं दिखाऊंगा, ये यहाँ पर देखिए सभी के घरों में अंधेरा ही अंधेरा आपको नजर आएगा, सभी के घरों में अंधेरा नजर आएगा, अंदर तक देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सभी के घरों में अंधेरा नजर आएगा आपको, किसी के घर में कोई रोशनी नहीं है,
ये देश की राजधानी है, आप देख सकते हैं। हाँ बेटा, पढ़ते हो आप? नहीं। हाँ, पढ़ते नहीं हो आप? जाते हो स्कूल? स्कूल जाते हो आप? स्कूल नहीं जाते? स्कूल है ही नहीं यहाँ पे? है स्कूल? है अभी बंद है स्कूल? है अभी बंद है? अभी बंद है स्कूल? लेकिन तब आप यहाँ पर रात को पढ़ाई करते होगे, तो पढ़ाई करते वक्त, अरे पबजी छोड़ दीजिए, पबजी छोड़ दीजिए, ये पबजी बैन हो जाएगा, पबजी छोड़ दे। क्या अभी स्कूल जाते थे आप? रात को पढ़ाई करनी होती थी, बिजली आती है? नहीं नहीं, नहीं आती बिजली? नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। कभी गिरे हो आप इन कच्ची गलियों में? हाँ बहुत बार। अच्छा, तो कभी चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं नहीं लगी। गिरे जरूर हो? हैं, गिरे जरूर है, लेकिन चोट नहीं लगी, लग जाएगी, क्योंकि अगर इसी तरीके की ये सड़कें ये गलियां रहेगी ना, तो चोट भी लग जाएगी। देखिए बच्चे बैठे हैं, ये देखिए, ये गलियां भी अभी तक नहीं बनवाई गई है, बिजली के खंभे जरूर लगवाए गए हैं, लोगों को पानी दूर दूर से लाना पड़ता था, लेकिन अभी फिलहाल टैंकर जो है वो आने लगा है, लेकिन पहले बताते थे कि 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। हाँ जी, 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था? बिल्कुल सर, यहाँ पे पानी का कोई स्रोत है ही नहीं सर, यहाँ यहीं पे हमारा प्राचीन काल का मंदिर है, वहाँ से पानी की बाहर टंकी लगाई हुई है मंदिर की तरफ से ट्रस्ट ने, उसी से सब लोग वहीं से पानी भरते हैं, वहीं से यूज करते हैं सब। अच्छा। सब अपने कंधों पे ढो के लाते हैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से, अभी भी ये टैंक अभी भी लेके आते हैं। अभी शायद आपने टैंकर की बात की, लेकिन मैंने आज तक आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ सर, लेकिन मैंने आज तक टैंकर तो कभी देखा ही नहीं है। और दूसरी तरफ से रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा की बात ये है सर, के सरकार कह रही है बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर वे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए उन्हें मोबाइल भी चाहिए, मोबाइल के साथ साथ उन्हें चार्ज भी करना पड़ता है, और चार्ज बिजली से होता है सर, हवा से नहीं। तो जब तक बिजली नहीं होगी तो मोबाइल कैसे चार्ज होगा, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे भारत आगे बढ़ेगा? ऐसे तो बिल्कुल भारत पीछे ही चला जाएगा। आपको पता है आप देश की राजधानी में रहते हो? बिल्कुल सर, ये हमारे विधायक जी की, शरद चौहान जी के इलाके की बात है सर ये। सरकारें तो पता नहीं कितनी आई है कितनी गई है, और अभी भी 6 साल हो गए ना विधायक को? बिल्कुल सर, 6 साल से वोट मांगने आए थे यहाँ पर। बिल्कुल, वोट मांगने के लिए तो सभी आते हैं और सर। वोट दी भी? दी है, तभी तो जीतते हैं। अच्छा, लेकिन लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। देख लीजिए सर, आपके सामने ऐसा ये विकास है, एक तरफ कहते हैं कि दिल्ली में एक भी ऐसा कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है छोड़ा हमने, जहाँ पे ऐसी कोई वारदात हो सके, रेप जैसी वारदातें जैसे दिल्ली में हुई थी, ये भी दिल्ली में ही है, ये दिल्ली से बाहर नहीं है, हरियाणा नहीं है, पंजाब नहीं है, यहाँ पर भी ब्लैक स्पॉट है, बिल्कुल ब्लैक स्पॉट है, आप देख लीजिए, ये दिखाई दे रहा है, आप दूर दूर तक देख सकते हैं। अभी समय क्या हुआ है सर, दिल्ली 11 बजे तक चलती है, 12 बजे तक कहते हैं 24 घंटे दिल्ली चालू रहती है, लेकिन आपको लगता है यहाँ 6 बजे के बाद, इतना अंधेरा होने के बाद मैं यहाँ पे कोई रहेगा? बिल्कुल, महिलाएं सेफ नहीं समझती अपने आप को। किस तरह सर, मुझे सर कैसे निकले घर से बाहर ऐसे अंधेरे में, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कौन कह सकता है सर? गिर भी सकता है कोई, और क्या? गिरने की तो बात ही अलग है सर, चलो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के साथ ऐसी कोई रेप जैसी घटना हो गई तो वो क्या करेगा सर? तो हमें किस बात का इंतजार है कि ऐसी कोई घटना घट जाए यहाँ पर? तो बिल्कुल, क्यों सरकार इस रजापुरी कॉलोनी के साथ दुर्व्यवहार कर रही है? क्यों ऐसा व्यवहार कर रही है कि ये देश की राजधानी में है ही नहीं? आखिरकार किस चीज का इंतजार कर रही है सरकार? सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, और इन लोगों के बारे में एक बार किसी नेता को, कोई भी पार्टी का नेता हो, एक बार इस कॉलोनी में आकर इस कॉलोनी के हालात देखने चाहिए कि हालात क्या है, किस तरीके से ये लोग, आम जनता इस कॉलोनी में रह रही है, बिजली के खंभे लगा दिए गए हैं, पानी की व्यवस्था यहाँ पर कोई नहीं है, बस बताया जा रहा है कि बस दिल्ली के कोने कोने में घूमती है, लेकिन यहाँ नहीं घूमती है, आने जाने की कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है, शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, पानी की कोई अच्छी सी व्यवस्था नहीं है, पानी ये भी टैंकर का पानी आता है, इसी को पीना पड़ता है, पीने लायक पानी भी नहीं आता है यहाँ पर, अगर पीने लायक पानी आए तो तब भी ये लोग खुश हो जाए, लाइट यहाँ पर नहीं आती है, सभी पूरे भारत में सरकारों का कहना है कि हम पूरे भारत के कोने कोने तक लाइट पहुँचाएंगे, अरे भैया पहले आप देश की राजधानी दिल्ली में तो लाइट पहुँचा लिए,
पहले यहाँ पर तो लाइट पहुंचाए उसके बाद देश के कोने कोने की बात करना। अगर इसी तरीके से चलता रहा, सरकार आती रही जाती रही, आती है जाती है, कब से 73 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी ये कॉलोनी पिछड़ी है, पिछड़ी और पिछड़ी ही रहेगी शायद, ऐसा लगता है। क्या पता कब जाकर सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी। SDM आए हैं, यहाँ का निरीक्षण किया है, लेकिन क्या हुआ उस निरीक्षण का। गांव वालों ने बोला है ट्रांसफार्म हम जगह देंगे ट्रांसफार्म रखने की, आप ट्रांसफार्म लगाइए ना, लाइट की व्यवस्था करिए ना। ये यहाँ पर बड़े बड़े खंभे लगा दिए गए, खंभे लगा दिए गए, लेकिन अभी तक यहाँ पर बिजली का कोई भी ऐसा एक तार तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। सभी के घरों में अंधेरा अंधेरा नजर आएगा आप लोगों को। 10 साल से खंभे लगे हुए हैं, 10 साल से ये खंभे सिर्फ इसी तरीके से लगे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई लाइट? भारत के कोने कोने तक आप किस तरीके से लाइट पहुंचा देंगे? अरे भाई क्या चाहती है सरकार, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्यों जब देश की राजधानी में लोगों को, आम जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो बाकी स्टेटों का हम क्या कह सकते हैं, बाकी राज्यों का हम क्या कह सकते हैं? सरकार को सोचना चाहिए, इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है। यहाँ पर भी कितने परिवार रहते हैं? 250-300 परिवार रहते हैं, और वो 250-300 परिवार किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं वो आप लोग यहाँ पर रहकर देखिए। गर्मी का मौसम है, आग बढ़ती है, और उस आग में किसी के घर में पंखे की बात तो तब होगी तब लाइट होगा। आप रह के देखिए, पंखे की बात तब होगी जब लाइट यहाँ पर आएगा। अरे भाई देश की राजधानी में इस तरीके के हालात, कब तक जनता सहती रहेगी? कब तक जनता इस तरीके, जनता को आवाज उठानी पड़ेगी, और ये आवाज उठा भी रहे हैं। आप कब से आवाज उठा रहे हो? तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल से आवाज उठा रहे हो, लेकिन अभी तक आपकी आवाज सिर्फ दबी है, बुलंदी तक नहीं पहुंची। नहीं जी, बस पोस्ते रह जाती है, हर बार पोस्ते रह जाती है। अरे भाई क्यों आवाज उठानी पड़ रही है, मैं तो ये बताता पूछना चाहता हूँ, आवाज उठानी क्यों पड़ रही है? नेता को जब पता है, यहाँ पर नेता वोट मांगने के लिए, मैं किसी एक पार्टी पर किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ये सभी पार्टियों की बात है, क्योंकि ये नहीं है कि यहाँ पर 73 साल से लगातार ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, 73 साल से बिना बिजली के ये लोग इसी तरीके से है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो। सोचना चाहिए सरकार को, इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। वोट लेने के लिए तैयार होता है, वोट लेंगे जीत गए बस हो गया कहानी, उसके बाद आम जनता को भूल जाएंगे। भूल जाता है आम जनता को, भूल जाता है। यहाँ देखिए कितना गड्ढा। अरे भाई गर्मी का मौसम है, आग बढ़ रही है, इतनी चिलचिलाती धूप चल रही है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे है, कैसे जिएंगे भाई? पानी रात को खत्म हो जाए तो पानी नहीं ला सकते हैं यहाँ के बच्चे, पानी नहीं ला सकते। अगर पानी रात को पीने का खत्म हो जाए तो पानी नहीं ला सकते हैं। मच्छर मक्खी इतनी पनप रही है आप सोच नहीं सकते हो। ये तस्वीरें मैं आपको कोई बिहार की नहीं दिखा रहा हूँ, कोई मैं आपको यूपी की नहीं दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की दिखा रहा हूँ, जो देश की राजधानी है, और ये राजधानी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। ये देखिए, ये स्वच्छ भारत अभियान है, और ये केजरीवाल की दिल्ली है, ये कांग्रेस की दिल्ली है, ये बीजेपी की दिल्ली है, सबकी दिल्ली है, लेकिन उस दिल्ली को संवारने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा और इन आम जनता की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। अभी केजरीवाल का जो भी इधर से इस खबर को देख रहा, लगातार शेयर जरूर करते रहे ताकि इन लोगों की बात सरकार के कानों तक पहुंच सके। पहले हमने सोचा था शायद कि हम आम आदमी है इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, उसके बाद हमने आपस में बैठकर डिसाइड किया कि RWA बनाई जाए, जिसके द्वारा हम सरकार के भागीदारी स्कीम के तहत हम सरकार के साथ मिलकर काम कर पाएंगे। हमने बहुत कोशिश की, बहुत पत्र लिखे, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं है। शिकायतें तो पूरी दी है लेकिन उन शिकायतों का निवारण अभी तक नहीं हुआ। अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ है, सिर्फ आश्वासन मिले हैं। तो कहाँ से होगा भैया, 73 साल में अभी तक नहीं हुआ, अब लगता है अब हो जाएगा? कैसे होगा सर, ये 10 साल से खंभे दिखा रखे हैं कि लाइट आएगी, देख रहे हैं सर, कर रहे हैं इंतजार, शायद हमारे बच्चे तो देख पाएंगे, हम नहीं तो हमारे बच्चे। लड़ाई जारी रखिए सरकार के खिलाफ लड़ाई रखिए, लेकिन लड़ाई ऐसी रखिए आप पूरी शिकायतें देते रहिए।
कभी ना कभी सरकार संज्ञान लेगी और लेना पड़ेगा सरकार को, आम जनता के लिए सोचना पड़ेगा सरकार को, सोचना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली है, ये सबकी दिल्ली है। इनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार दिल्ली सरकार को नहीं करना चाहिए। काफी सरकारें आई है, काफी सरकारें गई है, लेकिन कोई सरकार आज तक इनके बारे में नहीं सोच पाई है। अब सोचने का समय आ गया है, सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं दिल्ली सरकार सोचे। आम आदमी पार्टी कहती है हम गरीबों की सरकार, तो गरीबों के बारे में सोचे और जल्द से जल्द यहां पर जो भी बुनियादी सुविधाएं है वो इन लोगों तक पहुंचाए। 350 का परिवार रहता है, 350 परिवार रहते हैं यहाँ पर। वह परिवार इसी तरीके से चिलचिलाती गर्मी में, धूप में, रात में, अंधेरे में, पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है, ना जाने और भी क्या क्या बुनियादी सुविधाएं है जो यहाँ पर नहीं है। जो लोग इन लोगों को जो है सहना पड़ रहा है, वो क्या सहना पड़ रहा है, वो भी देश की राजधानी में रहते हुए सहना पड़ रहा है। मैं सभी दर्शकों से यही अपील करूंगा, आप लगातार खबर को शेयर कर दीजिए और सरकार के कानों तक इस खबर को पहुंचाइए और सरकार को जरूर बोलिए कि इन लोगों को बुनियादी सुविधाएं दी जाए, ये इन लोगों के साथ कोई सौतेला व्यवहार ना किया जाए। देखते रहिए प्रदीप यादव के साथ, मैं सन्नी तुसील।